हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। क्या आप भी लेना चाहते हैं? क्या बोला तूने? रियलमी का एक अच्छा स्मार्टफोन। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे रियलमी का स्मार्टफोन बताएंगे जो 9000 के अंदर में काफी तगड़ा फीचर के साथ मिल जाएगा। चल झूठा। अगर आप अपना मन बना ही लिए हैं कि हमको रियलमी का ही कोई अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, तो आप इन 5 में से किसी भी फोन को ले सकते हैं। और इन फोन में आपको 4 GB तक का रैम मिल जाएगा, 6000 mAh तक का बैटरी होगा, अच्छा डिस्प्ले भी होगा, ओवरऑल सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का मिलेगा। मजा आया तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लस हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला फोन आता है रियलमी नर्जो 30A। अगर आपको 9000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा, या फिर कोई अच्छा धांसू स्मार्टफोन चाहिए तो भी ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इस फोन में प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है। तो क्या कुछ इस फोन में देखने को मिलेगा, चलिए डिटेल्स में जानते हैं। तो इनमें आपको 6.5 इंच का HD+LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, 570 nits का पीक ब्राइटनेस भी मिल जाएगा, जिससे आपको डे लाइट या आउटडोर में दिक्कत नहीं होगा। और इनमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। बात करें स्मूथनेस की, तो 60Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 120Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। प्राइस के अकॉर्डिंग स्मूथनेस जो है ना इस फोन का काफी सही है। डिस्प्ले तो इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 13 MP का दिया गया है, वहीं सेल्फी कैमरा 8 MP का दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा जो है ना इस फोन का ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का, तो इनमें आपको MediaTek Helio G85 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ। हालांकि ये चिपसेट 12 नैनोमीटर पर ही बना हुआ है, बट प्रोसेसर जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। बात करें बैटरी का, तो इनमें आपको 6000 mAh का एक बड़ा बैटरा दिया गया है, जिनको स्पीड से चार्ज करने के लिए 15W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। हालांकि चार्जिंग में थोड़ा मोड़ा समय तो लेगा, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे। ये बैटरी आपको अच्छा खासा बैकअप दे देगा, इसलिए बैटरी जो है ना इस फोन का काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 3 GB का रैम तथा 32 GB का स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 256 GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। इस फोन का प्राइस को बाद में बताएंगे, पहले एक नजर डाल लेते हैं अदर फीचर पे। ये फोन आपको थोड़ा सा भारी महसूस करा सकता है, क्योंकि इस फोन का वेट 209 ग्राम है और 9.8 mm का थिकनेस है। ये फोन थोड़ा सा मोटा जरूर है, बट फीचर काफी अच्छा दिया गया है, तो उससे मैनेज हो जाता है। और इनमें आपको 3.5 mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा, डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है, जिससे आप 2 SIM तथा एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। Realme UI भी 1.0 के साथ आता है, जो कि Android 10 पर बेस है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा रियर फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं आखिरी में इस फोन का प्राइस का, तो 3 GB रैम तथा 32 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 9100 रुपया देना होगा, और 4 GB रैम तथा 64 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 10100 रुपया देना होगा। अगर आपका बजट 9000 के आसपास में है, तो 3/32 वाला वेरिएंट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। प्राइस के अकॉर्डिंग में सभी फीचर काफी अच्छा दिया गया है। अगर आपको 9000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा धांसू लेवल का स्मार्टफोन चाहिए, तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अदरवाइज वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। तो हमारे लिस्ट का अगला फोन आता है Realme C21। अगर आपको 9000 के प्राइस रेंज में Realme का ही कोई अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा, और प्राइस के अकॉर्डिंग इनमें सभी फीचर काफी अच्छा दिया गया है। तो क्या कुछ इस फोन में फीचर देखने को मिलेगा, चलिए डिटेल्स में जानते हैं। तो इनमें आपको 6.5 इंच का HD+LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, डिस्प्ले काफी अच्छा दिया गया है, और 400 nits का ब्राइटनेस मिल जाएगा, वो भी ठीक ठाक ही है, जिससे आपको डे लाइट आउटडोर में दिक्कत नहीं होगा। और इनमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। बात करें स्मूथनेस की, तो 60Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 120Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। प्राइस के अकॉर्डिंग स्मूथनेस भी काफी सही है। ये तो हो गया डिस्प्ले काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का, तो इनमें आपको MediaTek Helio G35 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ। ये प्रोसेसर भी जो है ना इस प्राइस रेंज का अच्छा प्रोसेसर है। अगर आप इस फोन में हल्का फुल्का गेमिंग करते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, बट अगर आप इस फोन में हैवी गेमिंग करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा लैग और हीटिंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का, तो इनमें आपको 5000 mAh का बैटरी दिया गया है, जिनको चार्ज करने के लिए 10W का चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। हालांकि चार्जिंग में थोड़ा मोड़ा समय ले सकता है, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे, इसलिए बैटरी जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 13 MP का दिया गया है, वहीं सेल्फी कैमरा 5 MP का दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। कैमरा जो है ना इस फोन का काफी अच्छा है प्राइस के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 4 GB का रैम तथा 64 GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 256 GB
GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। ये तो हो गया इस फोन का मैन मैन फीचर। एक नजर डाल लेते हैं इनका बेसिक फीचर पे। 8.9 mm के थिकनेस के साथ आता है, 190 ग्राम वेट है जो कि ठीक ठाक ही है, ज्यादा नहीं है भारी। 3.5 mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा। इनमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है जिससे आप 2 SIM तथा 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। यूजर इंटरफेस की बात करें तो Realme UI भी 1.0 के साथ आता है जो कि Android 10 पर बेस है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा रियर फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन का प्राइस का, तो 3 GB रैम तथा 32 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 7,000 रुपया देना होगा और 4 GB रैम तथा 64 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको नेट 9,000 रुपया देना होगा। ये फोन आपको 9,000 में कब मिलेगा? जब फ्लिपकार्ट पे सेल चल रहा होगा। अगर आप इस फोन को उस टाइम लेते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा, यानी कि 9,000 रुपया में मिल जाएगा। फिलहाल तो इस फोन का प्राइस 10,500 रुपया है, लेकिन आपको 10,500 रुपया फंसाने का कोई जरूरत नहीं है। 10,500 रुपया में ये फोन वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा। या तो इस फोन को 7,000 रुपया में ले लीजिए या फिर 9,000 रुपया में ले लीजिए, तो ये बात को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। अब आता है Realme C31। अगर आपको 9000 के प्राइस रेंज में कोई लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। या फिर Realme का ही कोई तगड़ा स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। और प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन में सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं इस फोन का प्रोसेसर से, तो इसमें आपको यूनिसोक T612 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ। प्राइस के अकॉर्डिंग प्रोसेसर जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है और 2,15,000 के आसपास इस फोन का अंतुतु स्कोर है। प्राइस के अकॉर्डिंग स्कोर भी जो है ना काफी सही है। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का, तो इनमें आपको 5000 mAh का बैटरी दिया गया है जिनको चार्ज करने के लिए 10 वाट का चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। हालांकि चार्जिंग में थोड़ा मोड़ा समय ले सकता है, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे, इसलिए बैटरी जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 13 MP का दिया गया है, वहीं सेल्फी कैमरा 5 MP का दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा जो है ना इस फोन का ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का डिस्प्ले का, तो इनमें आपको 6.5 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। 400 nits का ब्राइटनेस दिया गया है जो कि ठीक ठाक ही है, जिससे आपको डे लाइट या आउटडोर में दिक्कत नहीं होगा। और इनमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। बात करें स्मूथनेस की, तो 60Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 120Hz का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है। प्राइस के अकॉर्डिंग स्मूथनेस भी काफी सही है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 3 GB का रैम तथा 32 GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 1 TB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का छोटा मोटा फीचर को, तो ये फोन 197 ग्राम वेट के साथ आता है। 8.4 mm का थिकनेस है, ये फोन ज्यादा मोटा भी नहीं है। 3.5 mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा। डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है जिससे आप 2 SIM तथा 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। यूजर इंटरफेस की बात करें तो Realme UI R एडिशन के साथ आता है जो कि Android 11 पर बेस है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा साइड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखा गया है इस फोन में। अब बात करते हैं इस फोन का प्राइस का, तो इस फोन का बेस वेरिएंट को लेने के लिए, यानी कि 3 GB रैम तथा 32 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेने के लिए आपको 8,999 रुपया देना होगा, यानी कि नेट 9,000 रुपया इस फोन का प्राइस है। अगर आपको 9,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। और प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन में सभी फीचर काफी अच्छा दिया गया है। अगर आप इस फोन को भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अदरवाइज वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। अब बात करते हैं Realme Narzo 50i के बारे में। अगर आपको 9000 के प्राइस रेंज में 4 GB रैम वाला फोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। और इनमें प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फीचर काफी अच्छा दिया गया है। तो चलिए एक एक करके इस फोन का फीचर को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये फोन 8.9 mm के थिकनेस के साथ आता है और 195 ग्राम इस फोन का वेट है जो कि ठीक ठाक ही है। 3.5 mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा। डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है जिससे आप 2 SIM तथा 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा रियर फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखा गया है इस फोन में। ये तो हो गया इस फोन का छोटा मोटा फीचर। वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस फोन का मैन फीचर का, तो इनमें आपको 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और 400 nits का ब्राइटनेस भी मिल जाएगा जो कि ठीक ठाक ही है, जिससे आपको डे लाइट या आउटडोर में दिक्कत नहीं होगा। बात करें स्मूथनेस की, तो 60Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 120Hz का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है। प्राइस के अकॉर्डिंग स्मूथनेस जो है ना इस फोन का काफी सही है और इनमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। ये तो हो गया इस फोन का डिस्प्ले। डिस्प्ले तो काफी सही है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का, तो इनमें आपको SC9863A वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा
ऑक्टा कोर के साथ। प्राइस के अकॉर्डिंग प्रोसेसर जो है ना इस फोन का ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का, तो इनमें आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया है जिनको चार्ज करने के लिए 10W चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। हालांकि फुल चार्ज होने में लगभग 2-2.5 घंटा ले लेगा, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे, इसलिए बैटरी जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इस फोन का कैमरा का, तो पीछे का कैमरा 8MP का दिया गया है, वहीं सेल्फी कैमरा 5MP का दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। प्राइस की अकॉर्डिंग कैमरा जो है ना इस फोन का ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 4GB का रैम तथा 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 256GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का प्राइस का, तो इस फोन का बेस वेरिएंट को लेने के लिए यानी कि 2GB रैम तथा 32GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेने के लिए आपको 7500 रुपया देना होगा, और 4GB रैम तथा 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेने के लिए आपको 9000 रुपया देना होगा। अगर आपको 9000 के प्राइस रेंज में रियलमी का ही कोई अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, और प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन में सभी फीचर काफी अच्छा दिया गया है। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का आखिरी फोन का। हमारे लिस्ट का आखिरी फोन आता है Realme C3। इस फोन का नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये फोन थोड़ा सा पुराना जरूर है, लेकिन ये फोन जो है ना अभी के भी टाइम में काफी अच्छा फीचर के साथ आता है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से इस फोन में प्रोसेसर जो लगा हुआ है ना काफी अच्छा प्रोसेसर है, और 4GB का रैम मिल जाता है जो कि काफी अच्छा बात है। इस फोन का सभी फीचर काफी अच्छा दिया गया है, तो चलिए एक एक करके इस फोन का फीचर को एक्सप्लेन करते हैं। तो इनमें आपको 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले तो काफी सही है, और 480 nits का ब्राइटनेस भी मिल जाएगा, और इनमें आपको 60Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 120Hz का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है। प्राइस के अकॉर्डिंग स्मूथनेस भी जो है ना काफी सही है, और इनमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। ये तो हो गया डिस्प्ले काफी अच्छा है। बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का, तो इनमें आपको MediaTek Helio G70 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ। इस प्राइस रेंज के हिसाब से इस फोन में प्रोसेसर जो है ना काफी अच्छा प्रोसेसर है। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का, तो इनमें आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया है जो कि काफी अच्छा है बैटरी। एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मैन कैमरा 13MP का दिया गया है, वहीं सेल्फी कैमरा 5MP का दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। कैमरा जो है ना काफी अच्छा है प्राइस के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 4GB का रैम तथा 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 256GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं, और इनमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट भी मिल जाएगा जिससे आप 2 SIM तथा 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। 3.5mm वाला हेडफोन जैक भी मिल जाएगा। 8.9mm का थिकनेस है, और 195g वेट के साथ आता है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा रियर फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन का प्राइस का, तो 3GB रैम तथा 32GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 9000 रुपया देना होगा, और 4GB रैम तथा 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 10000 रुपया देना होगा। 4/64 वाले वेरिएंट को आप ऑफर लगाकर खरीदेंगे तो आराम से 9000 के आसपास में मिल जाएगा। अगर आपको 9000 के प्राइस रेंज में रियलमी का ही कोई अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। अब आपके पास 5 ऑप्शन है, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर होगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।